इस फोटोग्राफ में जो लड़का है क्या वो पुनीत नहीं है? उसने पुलिस को बुलाकर ये कहा कि मैं उसे मारना चाहता हूँ। पुनीत के खिलाफ इतनी सारी गलत बातें बाहर आ रही हैं, तो फिर तुम्हारी फैमिली रिया की शादी इससे करवाना क्यों चाहती है? पता नहीं रोहित को भी ऐसा कौन सा जरूरी काम मान पड़ा। मेरा बच्चा, अब मैं तुम्हें अपने से कभी अलग नहीं करूंगी। मेरे आने से पहले पुनीत और रिया की शादी की बात आगे मत बढ़ाना। तुम्हारी मर्जी के बिना रिया की शादी नहीं होगी। मामा, आप किससे बात कर रहे थे? बेटा, आप मंशा से बात कर रहे थे। उसका कहना है कि वो तो मैं सुन चुकी हूँ। देखो बेटा, अगर मंशा शादी के लिए मना कर रही है तो कोई बात तो जरूर होगी। मॉम, मेरी ये समझ में नहीं आता कि पुनीत को लेके हर कोई इतना परेशान क्यों है, जबकि उसकी कोई वजह ही नहीं है। इसलिए कि पुनीत के बारे में हम कुछ नहीं जानते, और इन दिनों में जो कुछ भी जाना। मॉम, मैं पुनीत को अच्छी तरह जानती हूँ, कम से कम जितना आप लोग जानते हैं उससे तो कहीं ज्यादा जानती हूँ ना। और पुनीत ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता तो दिया है। पुनीत ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, तुम उसके बारे में जानती हो, पर हम पुनीत के बारे में कुछ नहीं जानते। और जब तक ये जानकारी नहीं मिलती तब तक ये शादी नहीं हो सकती। देखो रिया, बेटियों की शादी माँ बाप के लिए एक जिम्मेदारी होती है, एक सवाल होता है, और अगर ये सवाल का जवाब गलत मिले तो बेटियों की आने वाली जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हम नहीं चाहते कि मॉम, शादी तो मुझे करनी है ना, इसीलिए माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारी शादी को लेकर मैं कोई गलत फैसला करना नहीं चाहती। लेकिन अभी तो आप मंशा के कहने पर मना कर रही हैं ना? क्योंकि मंशा की बात की हम सब कद्र करते हैं। और बेटा, अगर मंशा मना कर रही है तो तुम्हारी भलाई के लिए। मैं अभी मिस्टर एंड मिसेस पुरी को फोन कर देती हूँ और आने के लिए मना कर देती हूँ। लेकिन मॉम, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाऊं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो। क्या तुम मेरे साथ हो? अपने आप से ज्यादा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? खुद से ज्यादा। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सबसे ज्यादा। बस अब मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से भी लड़ लूंगा। देखो रिया, अगर तुम्हें इस रिश्ते से प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इस रिश्ते में कोई अड़चन नहीं आने दूंगा। और रही बात मंशा की, उसे मैं मना लूंगा। लेकिन पुनीत, मेरे मम्मी पापा तुम्हारे यहाँ फोन करने वाले हैं और कहने वाले हैं कि आज वो शगुन ना लेकर आए। डोंट वरी, जब तक मैं मॉम डैड को लेकर घर नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हें कोई फोन नहीं करूंगा, ना ही कोई फोन अटेंड करूंगा। और मॉम डैड को भी बोल दूंगा कि आप कोई फोन अटेंड मत करना। ओके पुनीत, सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा, अब तुम घर जाओ और टेंशन मत लो। ओके रिया, आई लव यू टू।
फोन लगा? नहीं। तू फिर से ट्राई करिए ना। अरे सुबह से तो ट्राई कर रहा हूँ ना, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। हे भगवान, मिस्टर एंड मिसेस पुरी कहाँ गए होंगे? सुबह से बात नहीं हुई। शायद वो लोग सीधे यहाँ आ जाएंगे। अब जब कल सब कुछ तय हो चुका है तो आ ही जाएंगे ना। पर फोन करके तो आएंगे ना। मैं भी कमाल करती हूँ, जब सारी बातें हो गई है तो फोन क्यों करेंगे। अच्छा, उनके घर का फोन नहीं मिल रहा है तो पुनीत के मोबाइल पे फोन करके देखो। वो भी ट्राई कर लिया पर मोबाइल ऑफ है। आज वो लोग शगुन लेके आ रहे हैं और पता नहीं क्यों मंशा ने शादी की बात करने से मना किया है। कोई बात तो होगी ना, मंशा ने मना किया तो। हाँ, पर करे तो भी क्या करे, फोन भी तो नहीं लगता। अगर वो लोग यहाँ आ गए ना तो हमारी पोजीशन ऑकवर्ड हो जाएगी। अगर मंशा पहले आ जाती है तो सारी बातें साफ हो जाएगी। मंशा को फोन करके देखो ना, वो घर से निकली कि नहीं। अरे हाँ। हेलो। हेलो मंशा बेटा, तुम अभी तक घर में हो? क्यों, क्या हुआ माँ? बेटे हम लोग सुबह से मिस्टर एंड मिसेस पुरी को फोन कर रहे हैं पर कोई फोन नहीं उठा रहा। हमें तो डर है कि वो लोग यहाँ आ जाएंगे। तुम जल्दी आ जाओ ना। मैं बस तैयार हो रही हूँ माँ, मैं अभी पहुँचती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, जल्दी आओ। वो आ रही है। Excuse me? मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप कौन हैं? पुनीत, तुम यहाँ? हाय। नाइस, वेरी नाइस। बहुत प्यारा घर है आपका। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या कहावत है, प्यासा ही कुएं के पास आता है, कुआं तो कभी प्यासे के पास नहीं आता, है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने सुना है कि आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी भाभी जी से मिल लूं, शायद मुझे भी दो चार ऐसी बातें पता चल जाए जो मैं खुद अपने बारे में नहीं जानता। ये सब नाटक छोड़ो और बताओ क्या चाहते हो तुम? इजाजत, क्योंकि मुझे पता चला है कि आपकी मर्जी के बगैर मेरी और रिया की शादी नहीं हो सकती। सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश मत करो। और रही बात रिया की, वो मेरी बहन ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। और वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं जानती हूं, इससे पहले भी कोई और तुम्हें जान से ज्यादा प्यारी थी। तो शायद आप माया की बात कर रही हैं। हाँ, मैं उसी माया की बात कर रही हूँ। सही सुना था मैंने आपके बारे में, आप मेरे बारे में जरूरत से ज्यादा जानती हैं। ठीक है, तो माया कौन है, उससे मेरा क्या रिश्ता था, रिया सब कुछ जानती है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती है कि वो मुझे हर हाल में पसंद करती है और हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। So my advice to you is कि आप हमारे बीच में आने की कोशिश ना करें। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? No, not at all. फिलहाल तो सिर्फ समझा रहा हूं। और रही बात देने की, तो मैं रिया के लिए अपनी जान तक दे सकता। यकीन नहीं होता आपको?
मेरी बात याद रख, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो करता भी। बताइए ना क्या हुआ। तुम बस जल्दी से आ जाओ नहीं तो वो अपनी जान दे देगा। लेकिन हुआ क्या आंटी, प्लीज बताइए तो। ये सब बताने का वक्त नहीं है मेरे पास, बस तुम जल्दी से आ जाओ प्लीज। ठीक है मैं अभी आती हूँ आंटी। मम्मा। नहीं नहीं विजय, तुम कुछ समझ नहीं रहे हो। माँ मैं सब समझ रहा हूँ। देखिए हम जो कर सकते थे सो हमने किया, आगे जो होना है होगा, हम और कर भी क्या सकते हैं। मतलब हम कुछ कर नहीं पा रहे। माँ आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे कि मुसीबत आ गई है। अरे जब वो लोग आएंगे हम उनसे कह देंगे कि हमें थोड़ा सा वक्त और चाहिए, वरना जो बात है वो साफ साफ कह देंगे उनसे। ओके रिया? क्या हुआ रिया? मामा वो पुनीत। क्या हुआ पुनीत को? मामा मैं अभी आई। अरे रिया, रिया रिया मेरी बात तो सुनो, ये लड़की भी ना, अभी ये लड़की कहाँ गई? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ चली गई है? भगवान क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। माँ अच्छा माँ वो लोग आए तो नहीं ना अभी? नहीं हमने फोन किया था लेकिन उनकी लाइन नहीं मिली, किसी भी वक्त आते होंगे। पर शुक्रिया भगवान का कि उनके आने से पहले तुम आ गई। लेकिन मंशा बात क्या है, कुछ तो बताओ हमें भी पता चले। पहले मुझे शक था लेकिन अब यकीन हो गया है, पुनीत अच्छा लड़का नहीं है, वो मेरे घर भी आया था। हम जब हनीमून में गए थे तो वहां मुझे एक लड़की टकराई थी, उसका नाम माया है और वो वही माया है जिसने मुझे फोन किया था। वक्त रहते हुए भी सब कुछ पता चल गया है। लेकिन रिया कहाँ है? रिया तो अभी अभी बाहर गई, पुनीत का नाम ले रही थी वो तो। पुनीत का नाम ले रही थी? हाँ। माँ कहीं वो पुनीत के पास तो नहीं गई है? माँ आप लोगों ने उसे रोकना चाहिए था। ये अच्छा नहीं हुआ माँ, ये अच्छा नहीं हुआ। अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया, वरना ये पुलिस केस था। और भगवान का शुक्र है कि जख्म ज़्यादा डीप नहीं था, वरना पता नहीं क्या होता था। एनीवे मैंने जो दवाइयाँ लिख के दी है वो ठीक तरह से मंगवा लेना। ओके और फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे फ़ोन कर देना। थैंक यू डॉक्टर, मैं आपको बाहर। ठीक है ठीक है, मैं चला जाऊँगा। थैंक्स अ लॉट। पुनीत, पुनीत क्या हुआ आंटी, क्या हुआ पुनीत को? बेटा पुनीत हमारा इकलौता बेटा है, बड़ी मन्नतों के बाद हमने इसे पाया है, इसके सिवा हमारा है कौन? हम इसे खोना नहीं चाहते, हम इसे खोना नहीं चाहते। आंटी मैं रिया, अगर तुम्हारे घर वाले इसे पसंद नहीं करते थे
इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे तो तुम इसके इतने करीब आई ही क्यों? आंटी मैं तो बस मैं एक बात जानती हूँ, माया के धोखे को तो वो किसी तरह बर्दाश्त कर गया, लेकिन अब अगर उसे कुछ हुआ तो वो जी नहीं पाएगा, अपनी जान दे देगा वो, अपनी जान दे देगा वो, अपनी जान दे देगा वो। पुनीत मैं यही हूं तुम्हारे पास। तुमने ये क्यों किया? क्यों किया ऐसे? तुम मेरे साथ तो हो ना? अपने आप से ज्यादा तुम्हें मुझ पर विश्वास है? खुद से ज्यादा तुम मुझसे प्यार करती हो? सबसे ज्यादा। मैं भी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ रिया। लेकिन ये सब क्या है पुनीत? ये मेरे प्यार की इंतहा है। मेरे दिल में तुम्हारे प्यार का सबूत। मैं मंशा को मनाने गया था लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि वो हमारी शादी कभी नहीं होने देगी। जिस जिंदगी में तुमने, वो जिंदगी मुझे मंजूर नहीं है रिया। पुनीत इतना प्यार करते हो मुझसे? I love you पुनीत, I love you, I love you too, I love you too। ये तुम क्या कह रही हो? पुनीत ने अपनी कलाई काट दी? ऐसा कैसे कर सकता है वो? वो कुछ भी कर सकता है माँ। हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? अब जब हमें इस लड़के के बारे में इतना सब कुछ पता चल ही गया है तो और जानने के लिए क्या बाकी है? नहीं, उनसे फोन करके कह दीजिए कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, बस। हाँ माँ, हमें पहले तो झिझक थी कि हम उन लोगों को कैसे मना करें, लेकिन पुनीत की इस हरकत ने तो फैसला साफ कर दिया। पर बेटा, मुझे तो लगता है कि रिया पुनीत से प्यार करने लगी है। प्यार? ये आप क्या कह रही हैं माँ? ये उसका प्यार नहीं, उसकी नादानी है। ये जानते हुए कि उसकी शादी पुनीत से होने वाली है, वो उसके करीब जाना चाहती है, उसको समझना चाहती है, वो उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन माँ, मुझे पूरा यकीन है उसे जब ही पता चल जाएगा कि पुनीत अच्छा लड़का नहीं है तो वो खुद ब खुद अपने कदम पीछे हटा लेगी। नहीं मंशा, या मैंने फैसला कर लिया है। मैं पुनीत से ही शादी करूंगी।